आपका नाम? अमित। अमित जी, कौन से प्रोजेक्ट में आपने फ्लैट लिया? हमने बुद्धा सर्किट स्टूडियो में बुक कराया था 2013 में, और लास्ट ईयर जनवरी में मैं साइट देखने गया तो कुछ भी डिगिंग हुई नहीं थी। मेरा है और मेरे ब्रदर इन लॉ दो लोगों का प्रोजेक्ट है। वो डिफेंस में काम करता है, वो तो आया ही नहीं बिकॉज इज बेस्ड आउट ऑफ पुणे, तो मेरे बेसिस पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था और मेरे चार पांच कलीग्स ने और किया था। तो लास्ट ईयर जब हम लोग आए साइट पे गए तो वहाँ कुछ पता नहीं था, देन वी ट्राई टू कॉन्टेक्ट देम, तो उन्होंने बड़ा हम्बली बोल दिया कि ठीक है आपको कैंसिलेशन का आप एप्लीकेशन दे दीजिए, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए, आपका पैसा वापस कर देंगे विद इंटरेस्ट। और वो डॉक्यूमेंट लेके और उसके बाद फिर जो मेलबाजी चल रही है एक पीरियड देते हैं फिर उसको आगे बढ़ा देते हैं। अभी लास्ट उन्होंने फरवरी बोला था, फिर एक मेल आ गया 28 फरवरी को कि अभी हमारे पास पैसा नहीं है, आपको 30-35 दिन और वेट करना पड़ेगा। तो ये कंटिन्यूस चल रहा है। तो आज मेरा पर्पस यही था, एक बार बात करूं कि हो क्या रहा है। सर, तो अंदर क्या चर्चा हुई और किससे मुलाकात हुई? चर्चा तो क्या, वो फ्रंट ऑफिस में जो बैठे हैं वो लोग ही हैं, बाकी मेलबाजी इनके ऊपर तक कर दिया, मैनेजमेंट तक कोई रिस्पॉन्ड नहीं करता, नोबडी इज इंटरेस्टेड। अगर अभी आपको जल्द से जल्द पैसा नहीं मिल पाता इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा? अगला स्टेप तो फिर लीगल जाना ही है, और तो कोई चारा है नहीं क्योंकि यहाँ तो सब ब्लाइंड है, कोई सुन नहीं रहा। एक साल के इंतजार के बाद अब आपको क्या लगता है कि आपको लीगल में जाने के लिए रुकना चाहिए या फिर जल्द से जल्द जाना चाहिए? प्रोसेस प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में लीगल प्रोसेस फास्ट नहीं होते, कि काफी लोगों ने जो इस प्रोजेक्ट में उन्होंने ऑलरेडी लीगल कर दिया है लेकिन वो हियरिंग और वो डेट और वो उसका कुछ पता नहीं है कि कब होगा। तो अभी एक बार और कोशिश कर रहे हैं, नहीं तो फिर ऑप्शन कुछ है नहीं आखिरी में, क्योंकि तो हमारा पैसा फंसा हुआ है, इनकी तो कोई टेंशन है नहीं, हमारी टेंशन है, तो वी आर जस्ट वेटिंग कि देखो तो बढ़िया है, तो कोई नहीं जाना चाहता इंडियन लीगल सिस्टम को देखते हुए, नोबडी वांट्स टू वेस्ट टाइम, हैवी नी टाइम, ठीक है। तो यही है, अगर हो जाता है तो वेट ट्राइंगे, एक बार और बात करने आए, नहीं होता तो विल हैव टू टेक टफ कोर्स। कोई फायदा नहीं है क्योंकि वहाँ जूनियर लोग बैठे हुए हैं, बहुत जूनियर लोग बैठे हैं, ऊपर का मैनेजमेंट तो कोई कनेक्टेड नहीं मिलता। ओनली आंसर इज कि जेपी के पास फंड नहीं है, तो फंड नहीं है तो मेरा ये कहना, इतने बड़े ऑफिसर्स खोल के आप क्यों बैठे हुए हो? आई टोल्ड एक है वहाँ पे कस्टमर केयर की लेडी, लास्ट टाइम आई टोल्ड हर आई डोंट यू पुट डाउन योर पेपर्स, आपकी सैलरी जो बचेगी साल भर की हमको कुछ पैसे मिलेंगे। आई मीन दिस इज द कंडीशन वहाँ पे जो हो रहा है ना अभी, तो उसमें मेन है कि इन्होंने जो अपने ब्रोकर्स बना रखे हैं इन्वेस्टर क्लिनिक वगैरह, वो सबसे बड़े दलाल हैं इन लोगों के, ठीक है। उनकी तरफ से कुछ भी नहीं है, वो तो बीच में आते ही नहीं है, और वो अभी भी ऐसे ऑप्शंस देते हैं कि आप मतलब यहाँ से पैसा आपको ऐसे प्रोजेक्ट में और फंसाने की बातें करते हैं जिसका कोई भविष्य नहीं है, बोलते हैं आपका यहाँ से हम ट्रांसफर कर देंगे, और ऐसे ऑफर्स दे रहे हैं जो मार्केट प्राइस से 40-40% ज्यादा रेट है। तो एक अगर ये बहुत बड़े कल्प्रेट है तो इनके जो इन्वेस्टर क्लिनिक टाइप के जो बना रखे हैं ना वो तो और बड़े हैं, बिकॉज वहाँ वो अपनी जिंदगी अपना मार्जिन लेके बैठे हुए हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है, उनकी तरफ से तो बिल्कुल कोई बात ही नहीं करता है। जो लड़के थे वो छोड़ छाड़ के चले गए, वो फिर बात यही करते हैं कि हम आपको ट्रांसफर करा देते हैं, यमुना एक्सप्रेस वे में हमारा दूसरे बिल्डर के साथ टाई अप है, इस रेट पे आप ले लीजिए, मतलब वो है कि एक गड्ढे से निकलो और बड़े गड्ढे में चले गए, तो वो सिचुएशन है। तो लेट्स सी क्या होता है। रियलिटी मीडिया जैसा अगर प्लेटफॉर्म हमको मिलता है तो हम काफी कस्टमर्स हैं जो कि जुड़ के वी कैन हेल्प आउट ईच अदर एंड वी कैन कम आउट ऑफ दिस प्रॉब्लम। एक्चुअली बहुत बड़ा इशू है हमारे लिए, हार्ड अर्न मनी वालों के लिए ना, कि इन्वेस्टिंग सो मच और किसी जेपी जैसे उस पर हमने ट्रस्ट किया है बिल्डर पर, इट वॉज अ रिनाउंड नेम, ऐसा नहीं है कि हमने कहीं भी लगा दिया, और इनके साथ इनके चैनल पार्टनर्स वगैरह ने सबने हमको चीट किया है ऐसे चीजें से ना, फंड नहीं है मतलब आपने वो प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं किया, तो फंड नहीं है मतलब वो फंड कहाँ चला गया, आपने साइफन कर दिया इसको, क्योंकि वो प्रोजेक्ट आज तक वो स्टार्ट ही नहीं हुआ है 4 साल के बाद, तो फंड कहाँ चला गया।